कबड्डी सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे सस्ता गेम है। इसमें सुविधाएं वो नहीं चाहिए जो बाकी खिलाड़ियों को चाहिए, बाकी खेल में चाहिए। इसमें तो आप कहीं भी आपने 12x8 का ग्राउंड लिया और चूना डाला और अपना काम शुरू कर दिया। मेरा नाम नीलम साहू है और मैं राजनगर पार्ट वन में एज ए PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और मैं लड़कियों को कबड्डी की कोचिंग देती हूँ जिसमें कि किसी तरह का कोई कैश अमाउंट नहीं लिया जाता। ये सिलसिला मैंने शुरू किया 1995 में, जहाँ पर मेरे पास सिर्फ स्कूल में 600 लड़कियाँ थी और 600 लड़कियों में से मैंने 87 बच्चे नेशनल में रिप्रेजेंट कराया, जिनमें से 8 लड़कियों का गोल्ड मेडल आया था। और तब से लेके आज तक, मतलब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा है। आपकी टीम ने पहले हिमाचल को एक तरफा तरीके से हराया था। द कैप्टन गायत्री एंड कोच नीलम साहू ऑफ दिल्ली। गायत्री ऑफ कोर्स भारत की जूनियर टीम के साथ ईरान में हुई एशियन चैंपियनशिप में खेल चुकी हैं एंड ऑफ कोर्स देयर कोच नीलम साहू, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम भावना यादव है, मैं एक रेडर हूँ और मैंने 2016 में जूनियर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप खेला था। इंटरनेशनल का पहला टूर्नामेंट था तो वो बहुत काफ़ी अच्छा गया। एक तरीके से बेस्ट रेडर मैं रही थी वहाँ पे। अवार्ड्स वगैरह नहीं मिलते बेस्ट रेडर के वगैरह, पर काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था। सिल्वर ईरान। हाँ जी, हाँ जी। अभी हाल ही में 2018 में अभी दोनों दिल्ली स्टेट मेरे ही फर्स्ट आए हैं और 9 लड़कियां मेरे क्लब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। कम से कम 12-13 लड़कियां हैं जो कि सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। तो पूरे इंडिया में जाना माना क्लब मेरा है। मेरा नाम शुभ तिवारी है और मैं एक रेडर हूँ और मैंने नेशनल तक खेला है। हाँ, नेशनल मेडलिस्ट, नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। साल से कबड्डी खेल रहे हो? एक साल हो गया मुझे खेलते हुए। और आप कितने साल के हो? एज मेरी 15 इयर्स, यहीं पे है मेरा फर्स्ट एकेडमी है। पहले एथलेटिक्स की है बट नॉर्मल, ऐसे ही जैसे बच्चे चॉइस के लिए करते हैं, फन के लिए किया, बट सीरियस कबड्डी मैंने की, सीरियस की कबड्डी। मैंने प्रो कबड्डी स्टार्ट हुए थे ना, फिर मैंने स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पर देखा, थोड़ा क्रेज़ बढ़ा कि अपने इंडिया का गेम है, अपनी मिट्टी से रिलेटेड है, दैट रीज़न कि मैंने कबड्डी चुनी। यहाँ पर सारे उम्र के बच्चे हैं, 10 साल से लेकर 26 साल तक की लड़कियाँ मेरे पास प्रैक्टिस करती हैं कबड्डी की। इस क्लब में इस समय 32 लड़कियाँ हैं, 32 गर्ल्स हैं, जिनका रहना सहना, खाना पीना, पढ़ना लिखना सब कुछ क्लब उठाता है। अगर इस क्लब को थोड़ी सी सुविधाएं और मिले तो ये क्लब शायद 9 जहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये 19 भी हो सकते हैं, ये सच बात है। खेल के मामले में यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं निरंजन सिंह है, वो सपोर्ट बहुत करते हैं, मतलब किसी अच्छे खिलाड़ी को नहीं रोकते। आर्थिक रूप से तो नहीं सर, पहले सिर्फ रेलवेज थी, अभी जितनी भी फोर्स की टीमें हैं उसमें भी महिलाओं की कबड्डी की टीम तैयार की जा रही है और अगर इस तरह से लगातार चलता रहा तो महिलाएं कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगी, देखना। यहाँ पर जितने खिलाड़ी आते हैं वो अपना अपना एक लक्ष्य लेकर आते हैं। कुछ खिलाड़ी हैं जो ये सोच कर आते हैं कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कुछ होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी है और मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करना है। तो दोनों ही तरह की चुनौतियों में मैं एज ए कोच बिल्कुल खड़ी रहती हूँ और उसी का परिणाम है ये कि आज बच्चे दिन प्रतिदिन विकास करते जा रहे हैं और लड़कियों के हिसाब से इतना अच्छा अनुशासन और कहीं देखने को मिलता नहीं है।